हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सब लोग? ठीक ठाक मज़े में आपका भाई एक दफ़ा फिर हाजिर है स्नो रनर के न्यू एपिसोड के साथ। तो जैसा कि आपने प्रीवियस एपिसोड अगर देखे हैं मेरे, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तमाम मेरे एपिसोड जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें प्रीवियस एपिसोड की, तो उसमें हमने एक दो कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो जो मैंने कंप्लीट कर दिए, जाके आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आज हम वॉच टावर जो है उन्हें ओपन करेंगे, क्योंकि वो भी हमें गेम में कहा गया था कि आप वॉच टावर ओपन करो, तो उसमें थोड़े से शायद कोई टास्क मिले, कोई कॉन्टेस्ट मिले करने के लिए, तो वो हम करेंगे अगर पॉसिबल हुआ आज, अदरवाइज नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज हमारा मेन टारगेट जो है वो वॉच टावर ही ओपन करना होगा। चलो गेम को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए। ले जी, ये हम आ गए हैं अपने ट्रक के अंदर। तो हमने अभी जाना है अपने, अगर मेरा आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसमें मैंने एक काम किया था, उसमें मैंने ये किया था कि मेरा जो ट्रक का पेट्रोल था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो पेट्रोल जो मेरी शेवलेट कार है वो पेट्रोल का मैं टैंक लेके गया था, मैंने रीफिल किया था ये ट्रक और देन वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया था। अब मेरा वो जो शेवलेट गाड़ी है वो वहीं खड़ी है, तो उसको वापस इधर गराज में लेके आते हैं, जो हमारा वो था पेट्रोल का वो जो टैंक था साथ, उससे भी सेल करेंगे या आप साइड पे इधर खड़ा कर देंगे, वट एवर जो भी हम करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए। ये हमारी शेवलेट कार है और हम गाड़ी के अंदर, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर हैंड ब्रेक ख़त्म करेंगे और इंजन को करेंगे स्टार्ट। और खैरो यार, ये गराज हमारा कहाँ पे है? डिलीवरी फार्म हमारा गराज, सॉरी यार गराज किधर गया हमारा? ये हमारा गराज, यहाँ पे हम करेंगे मार्क और थोड़ा सा इसको हम सीधा कर देंगे ताकि हमें समझ आ सके, ठीक है? इसलिए मैं इसको सीधा करता हूँ ताकि हमें जो है ना ईजी हो जाए, या ताकि मैं लोकेशन मार्क कर सकूं। एनीवेज चलो जी फटाफट से करते हैं स्टार्ट, हमें जाना है पीछे, हम पीछे के रास्ते से आए थे तो हम इसको फटाफट, ओए ये क्या फंसी हुई है ये, इसको वापस मोड़ते हैं। ठहरो, इसकी ऑल व्हील ड्राइव जो है वो हम ऑन करते हैं। अब निकलेगी कि नहीं? अब निकलेगी भाई, ऑल व्हील ड्राइव ऑन करके ये निकलेगी। वैसे मैं इसको गराज में लेके जा सकता हूँ, लेकिन हमारा जो ऑयल का टैंक है वो जो मैंने पीछे लेके आया था वो इधर ही रह जाएगा। हम किसी भी ट्रेलर के साथ जो है वो हम गराज में मूव नहीं कर सकते, वो हमें फिज़िकली लेके जाना पड़ता है। तो वैसे हम खाली जो गाड़ी है वो अब मैं यहाँ से इसको डीअटैच करके गराज में मूव कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने ये $3500 का ख़रीदा था भाई, $6000 का लिया था, तो इसको तो भाई छोड़ के तो नहीं जाना ना, एक एक रुपए की जो है ना ज़रूरत है, क्योंकि हमें आगे लेने हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट और बड़े ट्रक्स लेने हैं। रशियन ट्रक्स लेंगे यार, रशिया में जाएंगे, रशियन ट्रक्स से करेंगे, रशिया में स्नो भी होगी, तो जैसा कि गेम का नाम ही स्नो रनर है तो स्नो तो सारी बात। यार ये क्या हो रहा है मोड़ भाई, अब इसको यहाँ से कट करते हैं, होना चाहिए यहाँ से भाई, डैमेज नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को। निकल गए भाई। तो भाई आप लोग मुझे बताते नहीं हैं कि मैं अंदर से खेलूं या बाहर से खेलूं, तो अंदर से खेलना थोड़ा सा आसान होता है, आपको जो है वो नज़र आ सकती हैं चीज़ें आगे यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगा बाहर से भी खेलूँगा, अंदर से भी खेलूँगा, दोनों साइड से खेलूँगा। जो सीधे सीधे रोड्स होंगे वहाँ पे मैं बाहर से खेलूँगा, जैसे मडी रास्ते आएंगे या स्नोई रास्ते आएंगे या मुश्किल आएंगे तो मैं उसको खेलूँगा बाहर से। ये हमारी गाड़ी, निकल भाई, लोगों चेक करो शेवलेट का लगा हुआ आगे, ड्राइवर को देखो भाई, ड्राइवर को साड़ा, ड्राइवर है क्या बात है। ये भाई हमने जाना है सीधा, जैसा कि मैंने कहा था कि रोड के ऊपर हम बाहर से ही चलाएंगे, क्योंकि ये टैंक जो मैं लेके आया था लास्ट एपिसोड के अंदर, तो ये जो पेट्रोल ख़त्म हो गया था हमारे ट्रक के अंदर, तो मैंने गैराज से इसको लिया था और
अपने ट्रक में इसका पेट्रोल डाला था, देन मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था। इसमें यार बहुत रियलिस्टिक चीज़ें डाली हुई हैं। इवन कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आपको फील होगा कि आपका मडी रास्ता है या आपका जो है वो रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हो। लो भाई अंदर से चलाते हैं भाई, मड बहुत ज़्यादा है यार, बड़े बड़े गहरे मड हैं यहाँ पे। रशिया में तो इससे भी बुरा हाल होगा जंगलों में। तो इस मिशन में हमने करना क्या है, हमने वॉच टावर ओपन करने हैं। अभी तो जस्ट हम करने का लगे हैं कि हम जो है वो ये जो पीछे जो मेरे है ऑयल का टैंकर, ये हमें गैराज में छोड़ना है, देन हमें वॉच टावर जो है वो ओपन करने हैं। जो पास वाले वॉच टावर होंगे हम उनको पहले ओपन करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाके जो देखेंगे कि कोई वॉच टावर है या नहीं। जितने भी ओपन हो सके आज के एपिसोड में हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपको ये गेम का मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? ये गेम मैंने इसलिए स्टार्ट किया, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सवाल पूछा था, उसमें मैंने जो है ना सवाल ये पूछा था कि आपको ये गेम देखनी है कि नहीं, जिसमें आपने कहा था यस ये गेम हमको देखनी है। तो डेट्स वाई ये वो पीछे क्या हो रहा है यार, गैराज आ गया हमारा। टैंकर को भाई अभी हम नहीं सेल करेंगे, माइट भी हमें इन फ्यूचर भी टैंकर की ज़रूरत पड़े। वैसे ही जहाँ पर टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप गैराज में जाओगे आपका ऑटोमेटिकली रीफिल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको बेच ही देना चाहिए, इसको बेच देते हैं यहाँ पे हम इसको बेच सकते हैं। स्टोर में चलेंगे तो यहाँ पे जाके, हाँ ये स्काउट फ्यूल कैरियर, इसको हम सेल, ओए ये क्या, यस ये सेल हो गया। हम मूव करेंगे गैराज के अंदर। अब कोई इसका डैमेज है तो ऑटोमेटिकली इसका डैमेज जो है ना वो रिपेयर हो जाएगा। गैराज के अंदर हमने जाना कहाँ से है, यहाँ से हम गैराज के अंदर जाएंगे। पहले मुझे गलती लगती थी, मैं बैक साइड से जाता था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम इसके ऊपर आएंगे मूव टू गैराज। वैसे हम रिकवर भी कर सकते हैं, अब इसमें जो भी कोई चीज़ ऐसी वगैरह होगी जो ऑयल कम होगा वो रिफ़िल हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। तो हम ट्रक स्टोर में नहीं जाना, हमने कस्टमाइजेशन में जाना है। इसकी अगर कोई चीज़ ओपन हुई है तो हम वो कर लेंगे। गेयर बॉक्स नहीं, अभी तक कुछ भी इसका ओपन नहीं हुआ। ले जी अब हम अपने मेन मिशन की तरफ चलते हैं। पहला मिशन हम वॉच टावर का ओपन करेंगे। पहले मैप को थोड़ा सा ऊपर कर लें। हाँ तीन वॉच टावर हमारे इस तरफ हैं और एक ये वाला वॉच टावर, तो ये भी ओपन करने वाला है, ये भी है, और तीन ये एक रास्ते में ही आते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है यहाँ पे चलेंगे, अभी इसको ओपन करते हैं। ठीक है पीछे से रास्ता है, पीछे से रास्ता है, वो पहाड़ों की तरफ से रास्ता निकल रहा है। चलो जाके देखते हैं कोई रास्ता वहाँ पे, क्योंकि रास्ते तो ब्लॉक्ड हैं। वो सामने से नज़र तो आ रहा है, जाएगा या नहीं ये तो जा नहीं पता चलेगा। रास्ता जा तो रहा है, नहीं ये रास्ता भी जा रहा है यार, क्या बात है यार इस रास्ते की भी। यहाँ से देखते हैं, इधर से चलते हैं। मुझे लगता है आज बस हम तीन वॉच टावर ही ओपन कर पाएंगे। चलो देखते हैं, तीन ही हो जाए बहुत हैं, और दो वॉच टावर हम नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यार एक मिनट ठहरो, मैं इसके आर व्हील ड्राइव जो है ना मैं ऑन करना भूल जाता हूँ, फिर जब गाड़ी फंसती है ना फिर मुझे समझ लगती है कि आर व्हील ड्राइव जो है ना इसके ओपन नहीं है। यहाँ पे रास्ता बता रहा है, ओ मड चेक करो यार, यहाँ तो फंस जाएगी गाड़ी। इसको साइड से निकालते हैं, ये चीज़ पानी के अंदर से मेरे अजीज़। ये रास्ते में दरख्त पड़ा हुआ है, ओ पानी, निकल जाएगी गाड़ी इधर से, निकल जाएगी। लेकिन ये इस जो मड है ना इसके अंदर फंस जाएगी,
अगर मैं मड के अंदर गया ना फंस जाएगी गाड़ी, वो निकाल ले निकाल ले निकाल ले, हाँ पानी के अंदर से निकल जाएगी। वो मैं पीछे छोड़ आया हूँ, रास्ता तो पीछे बता रहा था। खैर मुझे देखने दो, यहाँ कोई रास्ता ये निकल रहा है, अब थोड़ा सा नज़र आया, एक मिनट ठहरो। हाँ ये रास्ता है, यहाँ से जाएगा। ओके चलो, ये रास्ता ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा। यार यकीन नहीं आ रहा कि जाएगा जाएगा जाएगा, शायद जाएगा जाएगा भाई जाएगा, रास्ता ऊपर वो पत्थर भी पड़े हुए हैं, पत्थरों को भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। ओ नो 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 नो, अंदर से चलाते हैं अंदर से। यार अंदर से भी काफ़ी डिफिकल्ट हो रही है यार यहाँ पे, तो बाहर ही चलते हैं क्योंकि बाहर से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी का टायर किस मड में फंसा हुआ है, अंदर से अंदाज़ा नहीं होगा, यहाँ मड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अब दोबारा से मार करते हैं, यहाँ पे ये है जी हमारा, ये रास्ता जा रहा है। चलें जी, पहला वॉच टावर ओपन करना है और मड ही बता रहा है यार, कितने मडी रास्ते हैं, तो यहाँ पे ट्रक कैसे चलेंगे, मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ। यहाँ पे ट्रक चलाने पड़े तो जनाब लग समझ जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट सॉरी टास्क भी है, टास्क ले लेते हैं भाई। ये हमारा पहला, अच्छा शो टावर, ओके ये टास्क हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके अभी इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, टावर ओपन हुआ है या नहीं पहले ये देखना पड़ेगा। टावर, अच्छा टावर तो अभी आगे है, सॉरी टावर अभी आगे है, इसका रास्ता यहाँ से जाएगा, ये रास्ता इसका जाएगा यहाँ से, देन हम आगे जाके देखते हैं। पहले अपने पॉइंट पे जाके देखते हैं कि रास्ता निकलता है या नहीं वहाँ से। रास्ता देखना पड़ेगा, एक मिनट, जाता है या नहीं। ओ यहाँ से शायद रास्ता निकले निकलेगा रास्ता। ओहो ये तो मैं गाड़ी बहुत गलत जगह पे ले आया हूँ भाई, बैक करनी पड़ेगी बैक करनी पड़ेगी। थोड़ा सा रास्ता जो है ना मैंने गलत चूज कर लिया है। थोड़ी सी बैक, क्या कर रहा है भाई ड्राइवर, यहाँ पे निकालनी है भाई, ये बाहर निकालो रास्ता देखें भाई। ठहरो एक मिनट, ये ऊपर बता रहा है यार यहाँ से रास्ता जाएगा या नहीं, वापस ही चलते हैं भाई। टास्क तो मैंने ले लिया है लेकिन ये टावर ओपन कहाँ से होगा ये समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं गलत रास्ते से आ गई, यहाँ से रास्ता लगेगा, ये रास्ता है। एनीवेज यहाँ पे चलते हैं भाई, यहाँ पे एक मिनट ठहरो, हाँ इस रास्ते पे आते हैं ना। यहाँ पे है जी ये टावर और रास्ता हम बनाते हैं यहाँ से, पहले हम यहाँ पे जाएंगे फिर हम यहाँ पे, उसके बाद ये रास्ता इस तरफ आएगा इस तरफ, देन हम इधर से कुछ करके, सॉरी यार हम इधर आते हैं, सिंपल छोड़ो बात को। यहाँ पे लगाते हैं निशान,
और ये रास्ता। चलो यहाँ तक तो पहुँचे। वो सामने से पेट्रोल काफ़ी खर्च हो रहा है भाई। यहाँ पेट्रोल फिल करवाने का कोई है? बैक करो, यहाँ पे पेट्रोल रिफिल होगा या नहीं? ये पेट्रोल वाला नहीं है भाई। सॉरी भाई, गले में खराश आ जाती है कभी कभी बोल बोल के। चलो भाई यहाँ से, यहाँ पे उसके बाद यहाँ से चलना है। ये रास्ता है भाई, ये वाला रास्ता। शाम हो रही है भाई, हम दिन का टाइम कर ले। ठहरो, ये हमने मॉर्निंग का टाइम कर लिया। दिन के टाइम में गेम खेलेंगे ज़्यादा मज़ा आता है यार। रात के टाइम कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है, आपको भी नहीं आएगी, मुझे भी नज़र नहीं आती, तो दिन के टाइम ही हम खेलेंगे। ये हम आ गए यहाँ पे, उसके बाद हमने लेफ्ट हो जाना है रोड के ऊपर। नेविगेशन लगा के इजी है यार, बगैर नेविगेशन के जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है। नए यूज़र्स के लिए तो मुश्किल है, पुराने शायद उनको अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जो नया खेल रहे हैं ना उनको मुश्किल होता है। यहाँ तक अब दोबारा देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम आ गए, अब हमें जाना है यहाँ से। ठीक है, सामने ही जाना है हमें। थोड़ा सा वो जो ब्लैक है ऊपर से वो ख़त्म होगा, तो नीचे से थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट रास्ता नज़र आएगा जो वॉच टावर पे हमें लेके जाएगा। पहला वॉच टावर यार इतना लंबा हो गया, इतना आसान लग रहा था लेकिन उतना ही वो रास्ता मुश्किल है। गाड़ी बड़ी जंपे लगाती लगाती जा रही है। ओ भाई उल्टना जाना। यहाँ पे हम आ गए, अब रास्ता जाएगा मेरे ख्याल से ये वाला, ये रास्ता जाएगा। किस तरफ जाना है? ये नहीं, ये रास्ता जाएगा, ये वाला रास्ता है। ये रास्ता है या नहीं देखने दो, नज़र तो आ रहा है रास्ता है। मैप पे तो यही लग रहा है कि रास्ता इधर से निकलेगा। नहीं भाई, ये रास्ता नहीं है, वापस बैक टू ट्रैक आना पड़ेगा। हाँ निकलो, नहीं निकलेगी यहाँ से गाड़ी, नहीं निकलेगी यहाँ से निकल। हाँ बाहर बाहर बाहर, ये रास्ता, यही जो नज़र आ रहा है यही रास्ता जाना है। यहाँ पे इसी रास्ते से हमने जाना है, इसी रास्ते से। कितना यार मड है यहाँ पे तो। हाँ ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं भाई। ये पॉइंट मैंने लगाया था। ओ यहाँ पे गाड़ी आराम से चलानी पड़ेगी भाई। ओ छोटी रोड है ये, हम किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हैं भाई, ये पहाड़ी इलाका शुरू हो गया है। चलो भाई चलो, आगे जाता है या नहीं? जाएगा जाएगा भाई जाएगा। हाँ ये जा रहा है, ये जा रहा है भाई, ये जा रहा है। इसी रास्ते में चलते हैं, इसी रास्ते पे। वो अब ये कहाँ पे जा रहा है? सीधा जा रहा है। ठहरो, यहाँ पे लोकेशन देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं लोकेशन। ओ पंस ना जाना भाई यहाँ पे। ओ हैंड ब्रेक खींच भाई, वो हैंड ब्रेक खींचने के बाद भी पीछे आ रहा है। ओ भाई ये तो गलत हो गया, यहाँ तो पहाड़ हैं और ये वॉच टावर तो उस तरफ है, पहाड़ों के उस तरफ, हम पहाड़ के इस तरफ आ गए हैं और रास्ता जो है काफ़ी दूर है, हमें वापस जाना पड़ेगा। और हम इस टावर पे जा रहे थे यार, हम कहाँ पे चले गए? एक मिनट ठहरो, इस पे रास्ता टच करता है, ये वाला करता है रास्ता टच, अब सही होगा। यहाँ से भाई, यहाँ से ठीक हो गया, यहाँ से ये वाली रोड जो है ना
ये सीधी जाएगी टावर के ऊपर। हम सेकंड टावर पे चले गए थे, हमें वापस जाना पड़ेगा। निकाल 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 निकाल। हाँ बस ठीक हो गया। पहले टावर पे मेरी जो टैंक है वो देखो कितना रह गया। ओ 12 डैमेज इंजन को दे दी यार। वापिस लंबा कट करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। चल चल निकाल यहाँ से। गाड़ी फंस गई है, गाड़ी फंस गई यहाँ पे। चल अब यहाँ पे निकाल। गाड़ी का मैंने हशर क्या कर दिया, मैंने रास्ता ही गलत ले लिया था भाई। लोकेशन मैंने मार्क नहीं थी कि ओ नो 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 नो। लो भाई यहाँ पे काम डाल दिया मैंने। ओ भाई सीधा हो जा। ओ ये किधर जा रही है, वापस निकालना पड़ेगा इसको। ठहरो एक मिनट, वापस कैसे निकलेगी भाई। अब तो ये विंच लगाना पड़ेगा। गलत फंसी है, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे भाई, यहाँ से निकल जाएंगे हम ऊपर। और 2 डैमेज। एक मिनट यहाँ पे पिंच से लेंगे काम। ये निकल गए बाहर। वेरी गुड यार, विंच तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है यहाँ पे। तो मैंने अच्छी वाली विंच जो है वो मैंने बाय कर ली थी। ये रास्ता यहीं से ही आना है। और ये हैवी मड निकल जाए इसमें से। यहाँ पे जाना है भाई, इधर इस तरफ जाना है हमें। भाई पहला वॉल टावर इतना लंबा हो गया हमारा, क्या हो गया हमारे वॉल टावर को, क्यों नहीं मिल रहा भाई। ओ नो 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 नो, इंजन आ गई डैमेज हमारा। पहाड़ों से रास्ते समझ नहीं आ रही है। ऊपर इस तरफ भाई ऊपर जाना है, क्या हो गया। ओ भाई उल्ट नहीं जाना, उल्ट नहीं जाना भाई, उल्ट नहीं जाना। यहाँ पे ऊपर 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 वॉच टावर लगता है, आ गए हम वॉच टावर। एक मिनट, पत्थर आ गए भाई पत्थर। अब पैक करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये पत्थर रास्ते में फेंके हुए हैं यार। यहां से निकलना है। और आगे आ गया वॉच टावर, वो पहाड़ के ऊपर यार। ले जी ये वॉच टावर मिल गया हमें, पहला वॉच टावर आज के मिशन का। ठीक हो गया, अपग्रेड लोकेशन डिस्कवर्ड। यही वो कह रहा है कि लोकेशन जो आसपास की है वो सारी डिस्कवर्ड हो गई है। ठीक हो गया, अब सेकंड वॉच टावर ये है। अब हमें रास्ता मिल गया भाई सेकंड वॉच टावर का। हम इसको निकालेंगे, ये पहाड़ी इलाका कहाँ से जान छोड़ेगा। यहाँ पे हम आएंगे पहले। ठीक है भाई,
उसके बाद हम आएंगे, यहाँ से रास्ता नीचे जाता है, ठीक है, ये रोड पे आ जाएंगे, देन हम इधर इस रोड पे आने के बाद, ये रास्ता तो बंद लग रहा है मुझे, नहीं बंद नहीं है, देन हम इस रोड से होते हुए और सीधा हम ये सेकंड वॉच टावर पे जाएंगे। चलो भाई, मार्क कर लिया मैंने, अब रास्ता आसान है, सेकंड वॉच टावर का तो रास्ता आसान है, वो हमें इजीली मिल जाएगा, ये जब ओपन हो जाएगा मैप फिर मैं इजीली अपने जो है वो कर सकूँगा। वो सॉरी यार, इंजन काफ़ी डैमेज हो रहा है यहाँ पे, नीचे लग रही है गाड़ी, खड्डे हैं बहुत बहुत बड़े, वो गाड़ी सीधी खड्डे में लगती है, वो आराम से उतारनी होती है, और मैंने फुल रेस दी हुई है यहाँ पे। क्या पहाड़ी नज़ारे हैं यार, ब्रेक लगा के भाई, ओ नो, सॉरी यार, सॉरी शेवलेट, तुम्हें डैमेज कर रहा हूँ मैं भाई, ब्रेक लगा के, ज़बरदस्त पहाड़ों के अंदर से यार, क्या नज़ारा है, निकल गए ये हम रोड पे आ गए, लेकिन रोड ज़्यादा देर तक नहीं मिलता यहाँ पे, आपको ऑफ रोड ही आना पड़ता है, ये फ़ायदा होता है भाई लोकेशन मार्क करने का। ये हम यहाँ पे आ गए, अब हमें इधर जाना है, यहाँ पे अंदर से चलाते हैं भाई यहाँ पे, ओ इंजन ठुकने लगा था दोबारा से, ये भाई, चलो भाई, ये क्या रोड ब्लॉक, ओ नो यार, रोड तो क्लोज है यहाँ से, हमें उधर जाना है आगे, अब क्या करें, यहाँ पे तो रोड मिल गई बंद, हमें यहाँ से रास्ता चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे अगर हम जाएं इस जगह से तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठहरो, हम यहाँ पे पहले लगाते हैं मार्क, एक मिनट, यहाँ पे लगाया मार्क, रास्ता हमें मिलेगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा रास्ता, हमें वापस जाना पड़ेगा पहाड़ों के अंदर से होके, वापस जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से आके, यहाँ से उतर के, रोड तो फिर आगे ब्लॉक है, नहीं यहाँ से उतर के फिर हम ये वॉच टावर को टच कर लेंगे, ठीक हो गया, गाड़ी को मोड़ते हैं यहाँ पे, और चलते हैं फिर पहाड़ी इलाके के अंदर, ये जा रहा है मोड़ अंदर, हाँ यही जाएगा, यही मैंने मार्क किया था, क्योंकि रास्ता यहाँ पे ब्लॉक है, हमें पहाड़ी रास्ते से होना पड़ेगा, यही तो इस गेम के मज़े हैं भाई, स्टेयरिंग व्हील के साथ तो और मज़ा आता होगा, लेकिन मैं कंट्रोलर से खेल रहा हूँ, स्टेयरिंग व्हील से यार मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा, अभी नया नया हूँ तो कंट्रोलर पर पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर स्टेयरिंग व्हील की तरफ भी चलेंगे। यार मुझे बताओ, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसके अंदर रेस ना प्रेस करनी पड़े पाँव से, रेस और ब्रेक ना प्रेस करनी पड़े, यार मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं स्टीयरिंग व्हील भी नहीं चला पाऊंगा। यहाँ तक मैंने मार्क किया था, वापस हम आ गए यहाँ पे, और अब हमने जाना है ना यहाँ जाना है, ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे आएंगे, ये रास्ता है ये, और थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, चलो भाई चलते हैं जी अपनी मंजिल की तरफ, सेकंड वॉच टावर को ओपन करने की तरफ, ओ
भाई बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं भाई पहाड़ों से बचा के, यहाँ तो गाड़ी मेरी खुद फिसल रही है। मड है ना, गाड़ी फिसलती है यार, ये जो ऊपर नीचे चलती है ये मड की वजह से चलती है, ये जो फिसलते हैं ना टायर उस वजह से ऐसे होता है। क्या मैंने यहाँ तक निशान लगाए थे? बिल्कुल यहाँ तक ही लगाए थे। अब हमें ऊपर से देखना पड़ेगा वॉच टावर कहाँ पे है। वॉच टावर तो भाई यहाँ से रास्ता निकलना है ना, रास्ता कहाँ से निकलेगा? एक मिनट यहाँ देखने दो, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये ब्रिज जो दरमियान में टूटा हुआ था इसको क्रॉस करना है ना। ठहरो, यहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे जाना है, ठीक हो गया। यार ये गाड़ी का लोगो पीछे हटे ना, तो भाई ये रास्ता यहाँ से ऐसे होगा। ठहरो, मैं गलत तो नहीं आ गया? रोड ये ब्लॉक्ड है ना, ये रोड ब्लॉक्ड है, हमें ये रास्ता टच करना है यहाँ से। ये रास्ता टच करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक हो गया। चलो भाई पीछे जाना है, भाई गलत आ गए थे हम, गलत आ गए थे, वापस जाना है हमें। लो जी इस रास्ते से जाना था हमें, पता नहीं क्या हो रहा है यार, किस रास्ते से जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही थोड़ी सी। एनीवेज कोई मसला नहीं है भाई, मेरे साथ रहो, मज़े करेंगे भाई ऑफ रोड के। ऑफ रोड के जो मज़े आ रहे हैं भाई वो अपने मज़े ही। वॉच टावर एक दफ़ा ओपन हो जाएंगे फिर इसके इस मैप के जितने मिशन हैं वो सारे ख़त्म करेंगे भाई। अब इसके एपिसोड तो आपको निकल जा पानी से निकल जा। अभी तो मुझे इसमें क्या नाम है वो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, इसका हाफ लीटर रह गया, 40 लीटर रह गया बस, 80 लीटर का जो इसका है ना फुल होता है। यहाँ तक मैंने किया था मार, अब नेक्स्ट ये है जी यहाँ जाना है। अब हमें रोड ब्लॉक ना मिल जाए यार, सारा काम खराब हो जाएगा रोड ब्लॉक मिला तो। नहीं रोड ब्लॉक नहीं है, थोड़ा सा मड है, निकल जाएंगे। एक मिनट यहाँ ऊपर जाना है मुझे, देखने दो ज़रा। हाँ यहाँ ऊपर ही जाना है भाई, इस रास्ते से ऊपर जाना पड़ेगा दोबारा से भाई। पहाड़ी इलाका चढ़ने लगे हैं दोबारा से, और वो भी मडी। ओ इस तरफ भाई, इस तरफ। ये पहाड़ों से क्यों लेके जा रहा है भाई हमें, रोडों से क्यों नहीं लेके जा सकता? अच्छा वो टावर है ऊपर, ओ नो 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 नो, अच्छा एक मिनट, ये रोड है भाई, ये रोड है। सॉरी, रोड से जाएंगे इजी पहुंच जाएंगे हम, पहाड़ों से चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वापस ही आएंगे। एक मिनट मुझे वापस इधर देखने तो कोई रोड टच करता है या नहीं, ये रोड टच कर गया। ये भाई कोई पत्थर ना हो, इंजन डैमेज ना हो, ये हमारा आ गया वॉच टावर ओपन। ये जी एक और टावर ओपन कर लिया हमने, वॉच टावर। वॉच टावर से क्या होता है भाई, हमें लोकेशंस जो है वो अपग्रेड हो जाती हैं। ये देखें जी वॉच टावर की ये लोकेशन अपग्रेड हो गई, और तीसरा वॉच टावर किधर है हमारा, ये रहा जी। ओए हम तो इस तरफ आ गए, वो मैं चला कहाँ से था, मैं आग इस तरफ गया हूँ। एक मिनट शायद मैंने लोकेशन नहीं, सही हूँ यार, सही हूँ। ये हमारा गराज है, ये गराज है, और ये सही आ रहे हैं भाई, इधर आना हमें अब। और यहाँ का रास्ता जो है वो भाई सेट कर लें, एक मिनट ठहरो, पहले हम आएंगे यहाँ पे, उसके बाद इधर आएंगे यहाँ से ऐसे, उसके बाद ये सीधा रास्ता ठहरे यहाँ पे। ये रहा हमारा वॉच टावर, ठीक हो गया। उसके बाद हमें आना है पहले इस रोड को
टच करना है, देन हमें करना है इस रोड को टच। ये हमें सीधा ले जाएगा यहाँ से, मेरे ख्याल से ये रास्ता निकलता है, ठीक हो गया, यहाँ से सीधा ये रास्ता यहाँ से आके, और ये सिलेक्ट कर लेना यार, रोड को नहीं छोड़ना, जैसे ही रोड को छोड़ेंगे काम खराब। अब ये किस तरफ कह रहा है जाने के लिए, वापस। ओ भाई सबर सबर सबर, ओ भाई यहाँ से नीचे उतरते हैं। हाँ ये रास्ता, ये भाई रास्ता मिल गया नीचे उतरने के लिए, ये रास्ता मिल गया। अब यहाँ से हमें लेफ्ट होना है। ओ नो नो नो, ओ शिट, चलो भाई अंदर से चलाते हैं अब गाड़ी। हैं, ये किस तरफ कह रहा है, वो बाहर ही आ जा यार, रास्ते बड़े ख़राब हैं। अच्छा ये रास्ता कह रहा है हमें जाने के लिए, चलो कोई रोड तो टच करेगा ये, वो सामने, ठीक हो गया भाई। अंदर से अंदर से अंदर से ही चलाएंगे वहाँ तक, उस पॉइंट तक अंदर से चलाएंगे भाई, जो अंदर से फर्स्ट पर्सन व्यू देखना चाहते हैं भाई उनके लिए भी। यहाँ पे भाई ये आ गई, ये क्या चीज़ें हैं भाई, ये क्या है, कोई टास्क है, कार्गो मैनेजमेंट। अच्छा यहाँ से हमें लॉन्ग लॉग्स मिलेंगे, ठीक हो गया, लॉन्ग लॉग्स कोई मिशन मिलेगा यहाँ से हमें उठाने के लिए मिलेंगे, ठीक है यहाँ से हम उठाएंगे, कोई जो हमसे डिमांड करेगा लॉन्ग लॉग्स, वो पता नहीं वो क्या होते हैं, देखेंगे लॉन्ग लॉग्स क्या होते हैं। इसीलिए वॉच टावर में ओपन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके पूरी लोकेशंस का कि हमें कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है, अदरवाइज ब्लैक रहेगा तो अंदाज़ा ही नहीं रहेगा कि हमें कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी। लो भाई इसी रास्ते पे जाना है हमें, अंदर से चलाते हैं भाई, अंदर से अंदर से भाई अंदर से नज़ारे लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से चढ़ा दो भाई, एक मिनट बाहर ही आ जाओ, यहाँ से चलते हैं, एक मिनट, हाँ देखने दो, ये मेरा गलत मार्क हुआ है ना, इसको हम यहाँ पे टच करेंगे और इसको करेंगे यहाँ पे टच, फिर अंदाज़ा होगा कि ये यहाँ से आएगा, ठीक हो गया, ओके ओके भाई, लोकेशन पे मार्क हो गया है। 34 लीटर जो है वो हमारा पेट्रोल रह गया और हमें तीसरा वॉच टावर जो है वो ओपन करना है। अभी यहाँ से देखने दो भाई, नहीं भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से टच करना है, ओके देखा, यहाँ से हम जितनी लोकेशंस इजी मार्क करके जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं। तभी मैं आपको भी बता रहा हूँ कि भाई आपको भी मुश्किल ना हो, बहुत से लोग होते हैं जो गेम खरीद तो लेते हैं लेकिन बाद में उनको गेम खेली नहीं जाती, समझ नहीं आती, तो भाई वो मेरी वीडियो से देख के ईजीली समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भाई, जैसे मैं समझ के खेल रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ इन रास्तों पर, मैं भी कभी नहीं आया भाई। ओ अभी डैमेज होने लगा था, 33 लीटर भाई पेट्रोल रह गया, यहाँ पे पत्थर हैं भाई, देख के आराम आराम से भाई, नीचे से डैमेज ना हो जाए। ओ ये रास्ता जा रहा है, एक मिनट, ये रास्ता से नहीं जाना भाई, आगे ये रास्ता यहाँ पे बता रहा है, इसको खींच लेते हैं, इसको खींच के यहाँ पे, उसके बाद इसको खींच के यहाँ पे, देन इसको खींच के यहाँ पे, ओके, और ठीक हो गया, वहाँ तक चलते हैं फिर आगे देखेंगे। ठीक है जी, सही जा रहे हैं हम, थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, ज़रा इजी हो जाता है पॉइंट बाय पॉइंट जब मार्क कर लेते हैं ना, तो फिर इजी हो जाता है वहाँ पे पहुँचना।
टास्क बना लेते हैं ना तो टास्क बना के चलते हैं। यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ओ भाई रास्ता ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है भाई रास्ता। ये रास्ता भाई जा रहा है ऊपर, ये पॉइंट, उसके बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट होना है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार पहाड़ों के ऊपर से। यहाँ से हम थंबनेल लेंगे यार कोई, पहाड़ों के ऊपर जाके। यहाँ से ऊपर जाना है और पहाड़ों के ऊपर से लेके जा रहे हैं यार। वो सामने आ गए वॉच टावर, वॉच टावर आ गया भाई हमारा, वॉच टावर सामने ही है भाई, वो सामने आ गया वॉच टावर। तीन वॉच टावर ओपन किए हैं यार इस लोकेशन पे हमने आज की डेट में भाई, हमने तीन वॉच टावर ओपन कर दिए। और ये हम आ गए अपनी वॉच टावर के ऊपर, और ये थर्ड वॉच टावर डिस्कवर्ड। ये जी वॉच टावर ओपन, न्यू ऑब्जेक्टिव डिस्कवर्ड, लोकल एंटरटेनमेंट। एक नया ऑब्जेक्टिव कोई डिस्कवर हुआ है, लोकल एंटरटेनमेंट। यार यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह मिलेंगी ना, तो भाई हम अब ऊपर जाते हैं यहाँ पे। तो अब वॉच टावर देखेंगे कितने रह गए इस पर। ऊपर वापस ऊपर जाओ यार, एक वॉच टावर आप बाकी, एक दो तीन और ये चार वॉच टावर अभी भी बाकी हैं। तो भाई हम अभी अपना एपिसोड यहीं पर करेंगे ख़त्म, और इसको ले जाते हैं वापस गैराज में, इसको करते हैं रिकवर। और ये रिपेयर भी हो गई है, रिपेयर भी हो जाती है जब आप गैराज में वापस आते हो, और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी सारी हो जाती है। तो भाई लीव करेंगे गैराज, और ये गाड़ी खड़े करेंगे हम। ओ भाई खोल ले इसकी हैंड ब्रेक, और ये गाड़ी हम यहाँ पे खड़ी कर देंगे, और इसका इंजन कर दे। भाई इंजन बंद नहीं करोगे ना तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉप इंजन, इंजन स्टॉप, और हैंड ब्रेक खींच देंगे। तो भाई यहाँ पे हम अपने एपिसोड को कर रहे हैं ख़त्म, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।